लेने ही लेने हैं यार, लेने ही लेने। Because गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सिंह फिटनेस सेरा पे मिलेगा। तो मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस सेरा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला अपडेट है वो है मीमो इब्राज की तरफ से, जो कि टोक्यो प्रो में उन्होंने कॉम्पीट करा था और वो इस शो में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अब रीज़न देखो, सब लोग आप लोग अपना भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना थॉट्स देना कि क्यों नहीं शो को जीत पाए। बाय द वे मैं बता दूं कि उनका 10 और 12 मतलब आउट ऑफ 10 ही थे वो, और इन्हीं के बीच में मतलब 11-12 के आसपास उनका प्लेसिंग लगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स थे 18। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा प्लेसिंग उनका इस शो में नहीं आ पाया। तो आप लोग बताना कि आपको इनका ये करंट फिजिक अपडेट है ऑन द स्टेज का देख सकते हो, एंड आप लोग बताना कि इनमें आपको क्या कमी दिखता है। बाय द वे यदि मैं बताऊं तो देखो, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि साइज इनका थोड़ा मैटर करेगा, क्योंकि देखो कंडीशनिंग तो अच्छा खासा दिख रहा, आप कंडीशनिंग देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन साइज बहुत ही कम लग रहा, जो कि आसपास के जो अगल बगल के जो एथलीट्स थे उनके खड़े उनका साइज थोड़ा ह्यूज था। बाय द वे आप लोग भी अपना थॉट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या रीज़न था जिसके पीछे इन्होंने हार गया। एंड अभी ईओएस 61 डेज आउट हैं, जो कि मुंबई वाले प्रो शो में फिर से कॉम्पीट करेंगे। तो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट हम लोग इनका फ्यूचर के लिए, कि ताकि अच्छा करेंगे जरूर, एंड आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है जुनैद कालीवाला की तरफ से। देखो उन्होंने करंट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया, इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी बिग्स आउट। तो ये भी मुंबई वाले शो में लगता है, आई थिंक उससे पहले तो पता नहीं कौन सा शो में कॉम्पीट करेंगे, बट जो भी देखा जाए अरे मुंबई वाले प्रो शो में ही कॉम्पीट करेंगे। तो बाय द वे उसके अनुसार फिजिक देखा जाए तो फिजिक देखो अच्छा खासा दिख रहा, साइज बहुत अच्छा है। अब हम लोग को देखना होगा कि कंडीशनिंग कितना बढ़िया ही लेकर आते हैं ऑन द स्टेज, कितना बढ़िया पैकेज को कैरी करते हैं उस पर। मिड सेक्शन देखो इस बार इनका अच्छा खासा दिख रहा, बढ़िया दिख रहा, बढ़िया लुकिंग है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा, एंड क्या ये इस बार अच्छा कर सकते हैं या फिर नहीं, जो भी आप लोग अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है आईएफबीबी प्रो बिक्की सिंह के तरफ से, जो कि उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो 9 वीक्स आउट हैं, और आई थिंक ये भी लगता है कॉम्पीट जरूर करेंगे कोई अपकमिंग टाइम वाले शो में। एंड देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे फिजिक की बात किया जाए तो फिजिक ठीक ठाक लग रहा, बहुत ज़्यादा कोई टॉप नोच का नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है, अच्छा खासा अभी टाइम भी है, तो 9 वीक्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करके हम लोग को देखना होगा कि कितने बढ़िया ये साइज, कितना बढ़िया कंडीशनिंग कैरी करते हैं ऑन द स्टेज। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिजिक आप लोग को कैसा लगा। जो हमारा अपडेट है वो है चैंपियन लाइक जर्मिन गुंडिया की तरफ से, तो देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है, एंड आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लग रहा। बाय द वे मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा तगड़ा इन्होंने कमबैक करा है और बहुत ज़्यादा मैसिव लुक लग रहा है, आर्म्स देख सकते हो बड़े बड़े इतने बढ़िया लग रहे हैं, एंड कंडीशनिंग तो भैया ये बहुत ज़्यादा लाइक चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो हम लोग को देखना होगा कि 2023 में ये किस तरीके से कमबैक करते हैं और क्या ये अपना नेक्स्ट टाइटल जीत पाते हैं, यानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे मैं बताऊं तो मेरे को वन ऑफ द फेवरेट मैन फिजिक एथलीट्स लगते हैं पूरे विश्व में, तो आप लोग भी अपना बताना कि क्या ये एथलीट्स आपको कैसा लगता है जर्मिन मुंडिया। तो नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है जेरमी पोटबिन की तरफ से, देखो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है, एंड आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा लुकिंग इसमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, एंड आई डोंट नो कि पता नहीं इनके साथ क्या होता है, इतना बढ़िया कंडीशनिंग भी दिखता है लाइक, देखो अभी इतने भी काउस में फिर भी कंडीशनिंग देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रहा, एंड साइज भी है, हार्डनेस भी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा है, एंड फाइबर वगैरह देख सकते हो चेस्ट में कितना ज़्यादा ह्यूज दिख रहा, बट आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं जीत पाते, बल्कि इनका फिजिक जो है बहुत टॉप नॉच लेवल का है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक कैसा आप लोग को लगता है और क्या ये इस बार कुछ अच्छा कर सकते हैं या फिर नहीं, वो भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। जो हमारा अपडेट है वो है राजा जीत की तरफ से, देखो ये इनका फिजिक है, एंड आप लोग देख कर बताना कि इनका फिजिक में मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट करा, साइज खास करके इन्होंने अच्छा खासा गेन करा है यदि पिछले वाले प्रो शो की बात करें तो। एंड आप ये भी देख सकते हो इनका चेस्ट उस मतलब पिछले वाले शो में थोड़ा सा इनका ड्यू टू इंजरी थोड़ा मतलब डिफरेंट दिखता था, बट इसमें बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत मैसेसिव लुक लग रहा। तो हम लोग को देखना होगा कि इस बार के शो में कितना बढ़िया पैकेज और क्या ये करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगता है। जो हमारा अपडेट है वो है तरुण गिल के तरफ से, तो उन्होंने एक वीडियो में कुछ बताया है कि क्या क्या मतलब खाना चाहिए, विटामिन सी विटामिन डी जो भी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेने ही लेने यार, लेने ही लेने, बिकॉज दे रियली गोना हेल्प यू आई एम श्योर। मैं बात एसेंशियल्स ही करूँ लेकिन आपका ध्यान इसमें, सो इससे ध्यान हटाओ और सीधा बात करते हैं हमारे एसेंशियल्स की, राइट। सो सबसे पहले कोलाजन, ये कोलाजन क्यों चाहिए यश भैया हमें? कोलाजन इसलिए चाहिए ताकि आपके बाल, आपके नेल्स और आपकी स्किन तीनों की
इम्पोर्टेंटली मतलब तीनों चीजों का आप ध्यान रख पाए तो कोलाजन रात को सोने से पहले जरूर लें। विटामिन सी, इसकी तो बात करी, जो कि हम डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, अपराइज D3 जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, केमिस्ट से मिल जाएगा आपको, केमिस्ट से। आयरन, आयरन ये भी जॉइंट सपोर्ट में हेल्प करता है और ये भी आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लेता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट ट्रिटीवा, स्किन के लिए, एक्ने ना हो उन सब के लिए गाइस। सो ये सब चीजें केमिस्ट से मिल जाएंगे आपको, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी आप ले लीजिए गाइस, कहीं से भी, और आपको देखोगे कि छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा फर्क आता है बॉडी में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।